नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी आपका अपने चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग इस करंट अफेयर की सीरीज में पढ़ेंगे खेल। खेल में हमारी पहली न्यूज है क्रिकेट से, और क्रिकेट में पहली है केकेआर ने तीसरी बार आईपीएल का खिताब जीता है। 26 मई को केकेआर ने किसे हराया? सनराइजर्स हैदराबाद को हराया, हरा करके आईपीएल 2024 का खिताब जीता है। अब आगे बढ़ें तो इसको विस्तार से देखें तो फाइनल मुकाबला कहाँ खेला गया? चेन्नई में। किस स्टेडियम में? एमए चिदंबरम स्टेडियम। नाम याद रखिएगा, केकेआर इससे पहले 2012 और 2014 में इस ट्रॉफी को जीत चुका है। यह आईपीएल का 17वां संस्करण था। याद रखिएगा, क्रम पूछा जा सकता है। लोकसभा का चुनाव हुआ, उसका क्रम 18वां था और इसका क्रम 17वां। याद रखिएगा, इसका आयोजन जो है 22 मार्च से 26 मई के बीच में किया गया था। अब इसमें मिले कुछ पुरस्कारों की बात करें तो प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार मिचेल स्टार्क को मिला था, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन नीतीश रेड्डी को मिला था, सर्वश्रेष्ठ स्ट्राइक रेट पुरस्कार जेक फ्रेजर मैगर को मिला था, फेयर प्ले अवार्ड सनराइजर्स हैदराबाद को मिला, सीजन की पर्पल कैप का अवार्ड हर्षल पटेल को मिला, और ऑरेंज कैप की बात करें तो विराट कोहली को मिला। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर ऑफ सीजन सुनील नारायण रहे, तो इनका नाम याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। अगली न्यूज हमारी टेनिस से है, तो जिसमें पहली न्यूज है कि इटालियन ओपन 2024 का आयोजन किया गया था। कहाँ हुआ था? तो इटली की ही राजधानी रोम में किया गया था। इसमें जो पुरुष एकल का खिताब था अलेक्जेंडर जेवरेव ने जीता, और महिला एकल का खिताब दुनिया की नंबर वन खिलाड़ी एगा स्वेटेक ने जीता। तो अलेक्जेंडर जेवरेव के लिए दूसरा इटालियन ओपन था और स्वेटक के लिए तीसरा जो है इटालियन का खिताब था। अगली न्यूज हमारी फुटबॉल से है, जिसमें सुनील छेत्री जो है वो अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लेंगे। तो फुटबॉल, भारतीय फुटबॉल के आइकन सुनील छेत्री ने 6 जून को कोलकाता में कुवैत के खिलाफ फीफा विश्व कप क्वालिफाइंग मैच के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास लेने के अपने फैसले की घोषणा कर दी। 2 दशकों के करियर में छेत्री भारतीय फुटबॉल के प्रमुख व्यक्ति रहे। उन्होंने टीम के लिए 145 मैच खेले, जिसमें से 94 गोल उन्होंने किया था। अब बात करें इनके उपलब्धि के लिए, 2019 में इन्हें पद्मश्री मिला था और 2011 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और 2021 में इन्हें शीर्ष खेल सम्मान खेल रत्न पुरस्कार भी इन्हें मिला था। आगे बात करें कुश्ती की, तो UWW मतलब यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग ने बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया है। तो 9 मई को ओलंपिक पदक विजेता पहलवान बजरंग पूनिया को 31 दिसंबर 2024 तक निलंबित कर दिया है, मतलब ये अगला मैच अपना 2025 में खेलेंगे। आगे बढ़ें तो UWW द्वारा बजरंग पूनिया को कथित डोपिंग रोधी नियम उल्लंघन के लिए राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी द्वारा नाडा अनंतिम रूप से निलंबित किए जाने के कारण निलंबित किया गया है। 10 मार्च 2024 को सोनीपत में ओलंपिक क्वालिफायर के लिए चयन ट्रायल के दौरान एथलीट ने अपने यूरिन सैंपल देने से इनकार कर दिया था, जिसके कारण 23 अप्रैल 2024 को नाडा ने बजरंग पूनिया को निलंबित कर दिया था। 24 नवंबर 2005 को नाडा जो है का गठन हुआ था सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत। इसका प्राथमिक उद्देश्य होता है कि जो विश्व डोपिंग रोधी एजेंसी वाडा है उसके कोड के अनुसार डोपिंग रोधी नियमों को लागू करे। अब बात करें यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग की, ये क्या है? तो यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग कुश्ती के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय शासी निकाय है। इसकी स्थापना 1921 लॉजेन में की गई थी। लॉजेन कहाँ है? तो लॉजेन स्विट्जरलैंड में है और यहीं पर इसका मुख्यालय भी है। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।